नमस्कार दोस्तों, विचित्र संसार की एक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। अमेजन जंगल में न जाने कितने रहस्य हैं। इस वीडियो में अमेजन जंगल अनेक रहस्यों में से कुछ रहस्यों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। मसलन, विश्व की सबसे छोटी बंदर टरंटुला स्पाइडर, बुलेट चींटी वगैरह वगैरह। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन अमेजन वन है। आपको बता दें कि अमेजन जंगल को हमारी पृथ्वी का लंग्स यानी कि फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेजन जंगल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा भारत देश दो बार फिट हो सकता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेजन का जंगल 9 देशों में फैला हुआ है। इससे पता चलता है कि यह जंगल कितना विशाल है। अब हम अमेजन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और जहरीले जानवरों के बारे में जानेंगे। अमेजन जंगल दिखने में आपको भले ही शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप यहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले मच्छर और कीड़े बहुत जहरीले और खतरनाक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम इन जानवरों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। इनमें पहले नंबर पर हैं 1. बुलेट एंट, बुलेट चींटी। बुलेट एंट बाकी चींटियों की तरह देखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने के बाद असहनीय दर्द होता है। बता दें कि इस चींटी को बुलेट चींटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह चींटी काटती है तो वह दर्द किसी बुलेट की गोली लगने जैसा होता है। शायद इसलिए ही इसको बुलेट चींटी कहा जाता है। कभी कभी तो इसके काटने से तेज बुखार भी आ जाता है, और यह चींटियां अमेजन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। 2. टरंटुला स्पाइडर, टरंटुला मकड़ी। आपको बता दें कि अमेजन जंगल में 3000 से ज्यादा मकड़ी की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से टरंटुला मकड़ी यहां की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि जब यह मकड़ी काटती है तो काफी मात्रा में जहर छोड़ती है, और अगर शिकार हुए व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है तो वह बच जाता है, वरना फिर भगवान ही मालिक होता है। बता दें कि इस मकड़ी के बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। हालांकि टरंटुला मकड़ी के अलावा भी अमेजन बहुत सी खतरनाक और जहरीली मकड़ियां पाई जाती है। 3. पिराना मछली, जंगल के अंदर से बहने वाली अमेजन नदी में 5000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसके शरीर से 800 वोल्ट्स तक की बिजली पैदा होती है, और उसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिराना फिश आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, जो अपने नुकीले दांतों से अपने शिखर को आसानी से चीर डालती है। 4. पॉइजनस फ्रॉग, जहरीले मेंढक। अमेजन जंगल में 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं, सुनहरे और चटक रंग की खाल वाले। ये छोटे से मेंढक दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यह मेंढक बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। यह मेंढक आपको कई अलग अलग कलर में देखने को मिल जाएंगे, और यह बारिश के मौसम में अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। 5. एनाकोंडा। दोस्तों, आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में तो बहुत बार एनाकोंडा को देखा होगा, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा होता है। आपको बता दें कि एनाकोंडा अमेजन वर्षावन और अमेजन रिवर में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अमेजन के जंगलों में 30 से 40 फीट के लंबे एनाकोंडा पाए जाते हैं, जो भेड़ बकरियों को आसानी से निगल सकते हैं। 6. जैगुआर, जैगुआर। अमेजन रेन फॉरेस्ट में जैगुआर भी पाए जाते हैं। यह एक प्रकार से तेंदुए की प्रजाति का होता है, जो चुप कर जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। हालांकि ये इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब यह गुस्से में होता है तब यह अमेजन का शेर बन जाता है। 7. हार्पी ईगल। वैसे तो अमेजन जंगल में बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, और यह पूरी दुनिया की एक तिहाई के आसपास पक्षियों का घर है, जिसमें से हार्पी ईगल नामक का पक्षी सबसे खतरनाक है। इस पक्षी के पंखों की लंबाई 7.5 फीट की होती है, और इसका वजन 6 से 7 किलो तक होता है।
ये आसानी से बंदर जैसे जानवर को उठाकर उड़ सकते हैं, क्योंकि ये अपने वजन से दुगने वजनी शिकार को पंजे में जकड़कर उड़ सकता है। हालांकि यह प्रजाति अब धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। 8. मार्मोसेट्स। मार्मोसेट में उंगलियों के नाखून के बजाय पंजे होते हैं और उनका दिमाग इतना विकसित नहीं दिखता है। वे वर्षावन की ऊपरी छतरियों में रहते हैं। फल, कीड़े और अपना सर्वकालिक पसंदीदा भोजन पेड़ का रस खाते हैं। महज 3.5 औंस वजनी पिग्मी मार्मोसेट दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। पिग्मी मार्मोसेट ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर और बोलीविया सहित पश्चिमी अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। 9. गिलहरी बंदर अमेजन वर्षावन की छत्र छाया में रहते हैं। आमतौर पर 500 नर और मादाओं के असामान्य रूप से बड़े समूहों में वे तेज गति से झूल सकते हैं और छतरी पर चढ़ सकते हैं। अपने प्राकृतिक वातावरण के बिल्कुल विपरीत इक्विटोस पेरू की मिस बेकर नाम की एक गिलहरी बंदर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले दो जानवरों में से एक बन गई और जीवित वापस आई। 10. अमेज़न बॉइलिंग रिवर शनाई टिम्पिश्का। आपको बता दें कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है। कभी कभी यह पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यदि गलती से कोई इंसान इस नदी में चला गया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस नदी का नाम शनाई टिम्पिश्का है, जिसे वहां के लोग बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की खोज आंद्रेस रुजो नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इस नदी को देखकर उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि आज तक इससे पहले कहीं पर भी गर्म नदी कहीं नहीं देखी गई थी। तो दोस्तों, ये रहे अमेज़न जंगल के 10 रहस्यमयी तथ्य जो आपको हमने इस वीडियो के मार्फत जानकारी कराई। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।